Good morning, all my dear students, all the viewers, the subscribers of my channel, my friends, everybody. This is Dilip sir, welcomes all of you to this video class. Pilamane, samastanku mu mor BK chemistry YouTube channel ku swagat karuchi. Ame aji alochana kariba chemical kinetics ra fourth class re. Today is fourth class. Tinta class already mukari sarchi. Samaste asa korchi samaste se video dekhithibo. Nischita bujhi parithibo. Concept clear karithibo. Aji fourth part re ame gurutwapurna jinish alochana kariba. Zero order reaction, its characteristics, and the rate law equation. This samasta kotha discussion kare 2020 re e long question re padithila. Entrance bhi padibo. अदर बहुत टेक्निकल जिनस कथा अच्छी आम आलोचना करवा ठीक है ना आज आम डिस्कशन करवा जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कले पे कौन बुझ व्हाट डू यू मीन जीरो ऑर्डर रिएक्शन तब ये हूँ एभली केमिकल रिएक्शन जहाँ स्पीड बा रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अर्थात रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन जहाँ भी हो जिते परिमाण हो अधिका हो कि कम हो रिएक्शन स्पीड परिवर्तन हम ना अर्थात रिएक्शन स्पीड सब स्थिर रन्य भाषा कहले भाव कहले रिएक्शन जिते आगे भी रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन रे परिवर्तन हम ना अर्थात रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन कम सबु समय रे रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन सेम थिबो इट गोटे प्रश्न आसे जदि रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन डिक्रीज करिवो नाही ताले रिएक्शन हबो केमिति ताले रिएक्शन होउछ बोली आमे कहिबा केमिति सिंपल कथा एथि मो कंसेंट्रेशन चेंज हबो नाही बोली कहउछि क्वांटिटी चेंज हबो तार अमाउंट चेंज हबो तार मोल संख्या रे परिवर्तन हबो धीरे धीरे सरी सरी जाऊँगी तो क्वांटिटी डिक्रीज कर बट कंसेंट्रेशन विल रिमेन सेम क्लियर है सो दीज आर द रिएक्शंस हुज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हाट एवर मे बी द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्शन स्पीड इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस कंसेंट्रेशन ठीक है तले केतरे एग्जांपल आगे दबा मु ऑलरेडी आलोचना कर सारी आगुरु गोटा रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन ओवर वाटर सरफेस टू गिव यू एचसीएल इटा मुझे कही यार रेट इक्वल पे कौन ना जब रेट इक्वेशन लिखा रेट कांस्टेंट इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू टू द पावर जीरो इनटू सीएल टू टू द पावर जीरो यार अर्थ हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन कौन से समय पर डिक्रीज करूनी क्लोरीन कंसेंट्रेशन डिक्रीज करूना सो विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इट इज अल्सो जीरो विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन इट इज अल्सो इक्वल टू जीरो मिसाइल टोटाल है जीरो किमी संभव देख एक्सपेरिमेंटल कथा हूँ कौन सपोज आम गोटे भेसेल ने भेरी इंपोर्टेंट कथा यहाँ मोर भिके केमिस्ट्री मुझे भल भाव एक्सप्लेन कर सपोज आम टू लिटर गोटे ग्लास भेसेल ने भल कर बुझुता या दर कौन कले आम वन लिटर व्टर नहीं गले सो दिस इज वन लिटर व्टर वन लिटर व्टर उपर कौन कले ना हाइड्रोजन गैस ने वन मोल प्लस क्लोरीन गैस ने वन मोल तले पिले कौन से दबो टू एच सी एल उपर भल्यूम होगा वन लिटर अतर बुझेगा टोटल टू लिटर वन लिटर है पानी उपर है वन लिटर खाली स्पेस से खाली स्पेस रे वन मोल हाइड्रोजन ना वन मोल क्लोरीन ना हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन के वन मोल पर लिटर क्लोरीन है वन मोल पर लिटर कंसेंट्रेशन है वन मोल पर लिटर रिएक्शन स्टार्ट है अच्छा ताले ये वन मोल सरी सरी जीव ये वन मोल भी धीरे धीरे सरी सरी जीव किसी समय पर मनकर हला हाफ मोल एथुर रहिला एथुर केते रहिला हाफ मोल रहिला
তাহলে এথ্রোপিলে কেতে পাইব তোমার ওয়ান মোল পাইব যেমিতি ওয়ান মোল এসএল ফর্মেশন হব তুমি জানছো এসএল ইজ সলুবল ইন ওয়াটার বাট হাইড্রোজেন অ্যান্ড ক্লোরিন আর নট সলুবল ইন ওয়াটার তাহলে দ্যাট এসএল উইল কম ইন টু দ্য ওয়াটার ঠিক আছে তাহলে যাহা এসএল ফর্মেশন হল সে কম করব এই ওয়াটার ভিতরে পশি আসবে ডিজলভ হয়ে গেল তাহলে ওয়াটার লেভেল ওলি রয়েছে ওয়াটার লেভেল কোণ হব বড়ি গেল যদি বড়ি গেল তাহলে ইয়ে মনে কর বড়ি গেল 500 তাহলে টোটাল ওয়াটার লেভেল কত হয়ে গেল 1.5 লিটার ঠিক আছে যেমন ওয়ান মোল পশি গেল ভিতরে ডিজলভ হয়ে গেল পানি লেভেলটা বড়ি গেল তাহলে ইয়ে রহিলা কত পেলে হাফ মোল হাফ মোল পর আর কত রহিল ভলিউম 500 তাহলে আগর কেতে থেলে গোটে মোল গোটে লিটার থেলে বর্তমান কেতে হলে হাফ মোল পর 500 আচ্ছা কহিলে পেলে হাফ মোল পর 500 ml যাহা ওয়ান মোল পর লিটার সে না ইয়ে রহিলা সেমতি কেতে হাফ মোল পর 500 ml তাহলে হাফ মোল পর 500 ml কহিবা যাহা ওয়ান মোল পর লিটার সে এথর বুঝি হলা আউ কি সময় পরে ইয়ে হলা 1/4 মোল রহিব এথর বি রহিলা 1/4 মোল তা 25% রহিলা সেতবেলে কোন হবে ইয়ে আউরি ভল লেভেল বড়ি যাব যদি বড়ি গেল এটি আর 250 ml রহব বর্তমান রিয়াকশন করিকি যদি 1/4 মোল রহিলা 250 ml রে সি বি ক্লোরিন রহব 1/4 ml 250 ml রে তাহলে কহিলে পেলে 1/4 মোল পর 250 ml যাহা ওয়ান মোল পর লিটার কম সে দেখ কোয়ান্টিটি সরি সরি যাচ্ছে ওয়ান মোল লা হাফ মোল হলা 1/4 মোল হব কিন্তু কনসেনট্রেসন কম লা প্রথম লা 1/4 পর লিটার এবে কে লা হাফ মোল পর 500 ml এবে কে লা 1/4 মোল পর 250 ml তাহলে কনসেনট্রেসন সেয়ার হচ্ছে না তাহলে কনসেনট্রেসন যদি সেয়ার রহিলা তাহলে এটি যে জিরো অর্ডর রিয়াকশন ক্লিয়ার হলা আউ কেতে রিয়াকশন তুমি গলা ক্লাসে অলরেডি আলোচনা করে সারিছি আউ থরে তুমি সেটি রিমাইন্ড করে দেছি তোমার ডিসোসিয়েসন অফ হাইড্রোজেন আয়োডাইড এটি ওভার সিলভর কাটালিস্ট তাহলে এর পেলে পাইল তুমি H2+I2 তিনরে তুমি সেমতি আমোনিয়া নেল আমোনিয়া গ্যাস যদি তুমি মলিবিডিনম সরফেস উপরে বা তাকে হিট করিব তাহলে দ্যাট ইজ অলসো ইয়োর জিরো অর্ডর রিয়াকশন টিপিক্যাল এক্সাম্পল মনে রাখিব আউট হল ফসফিন ডিকম্পোজিশন অফ ফসফিন ওভার মলিবিডিনম সরফেস ইউ গেট ফসফিন ফসফরাস প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস সো দিজ আর থর্মাল ডিকম্পোজিশন বা ক্যাটালিটিক ডিকম্পোজিশন প্রসেসেস ক্যাটালিটিক ডিকম্পোজিশন প্রসেসেস অলসো দে ফলো জিরো অর্ডর কাইনেটিক ঠিক হল তাহলে এটি গোটে কথা যদি রিয়াকশনর স্পিড কনসেনট্রেসন উপরে ডিপেন্ড করু না যেটা হল জিরো অর্ডর রিয়াকশন সবুঠ বড় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাহলে কাহা উপরে ডিপেন্ড করছে না দে ডিপেন্ড অপন টেম্পারেচর প্রেসর ইন্টেনসিটি অফ রেডিয়েসন জিরো অর্ডর রিয়াকশনর স্পিড এই মানক উপরে ডিপেন্ড করে টেম্পারেচর বদলাইলে প্রেসর বদলাইলে আউ তোমার লাইট বা রেডিয়েসন তার ইন্টেনসিটি চেঞ্জ কলে তাকর স্পিড কেবল চেঞ্জ হব অদরওয়াইজ কনসেনট্রেসন সহিত কৌশি সম্পর্ক না ক্লিয়ার হল তাপরে পেলে আমি ডেরিভেশন করিবা তার রেট লা ইকুয়েশন ডেরিভেশন করিবা মোস্ট ইম্পর্টান্ট সপোজ আমি গোটা হাইপোথেটিক্যাল রিয়াকশন করিবা যেটি রিয়াক্টান্ট এ সপোজ ইট গিভস রাইজ টু প্রোডাক্ট বি ঠিক হল এ কনভর্ট হচ্ছে প্রোডাক্ট বি কু লেট এ হো পিলে কোণ ইনিশিয়াল কনসেনট্রেসন মানে প্রারম্ভিক পরিমাণ নেলে মু ইনিশিয়াল কনসেনট্রেসন হল এ মোলস পর লিটর স্টার্ট কলি কেতে মোল এ মোল গোটে লিটর সলুসনরে এ মোল নেকি স্টার্ট কলি তাহলে এর পিলে কেতে মোল অছি জিরো মোল আরম্ভর কিছু নাহি এতরু কিছু সময় পরে মনে কর সরি সরি যাব কোয়ান্টিটি তো সরি সরি যাব মোল তো সরি সরি যাব কেতে সরিলা এক্স সরলা আর রহিলা পিলে কেতে এ মাইনাস এক্স মোলস পর লিটর এটা কোন লিখিবা কনসেনট্রেসন আফটর টাইম টি টি সময় পরে মনকর এর এক্স মোল খরচ হয়ে গেল আর রহিলা কেতে এ মাইনাস এক্স মোল পর লিটর তুমি জানছো এতরু যেতিকি সরিব ই সেতিকি ফর্মেশন হব তাহলে এর পিলে কেতে পাইব তুমি এক্স মোলস পর লিটর পাইল কারণ রিয়াক্টন্ট যেতিকি সরিব প্রোডাক্ট সেতিকি ফর্মেশন হব ক্লিয়ার তাহলে তুমি জানছো আকর্ডিং টু ল অফ মাস আকশন আকর্ডিং টু ল অফ মাস আকশন আমি পড়িছে কোণ না রেট অফ রিয়াকশন ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু
concentration of reactant at that time, tala kete A minus X. Jethe the zero order, so power is zero. For zero order reaction, power is zero. Kaing na yaha par the depend kare hi nahi. Kani ye to change hoba nahi. So, rate equal mile gona, na rate constant, K0 man ko likhi daba. Into A na to kati jibo, tala something to the power zero means 1. So, R equal to K. Ame jani che, R mane pile kona, na R mane dx by dt. Kodikile na nahi. Instant and the rate of reaction. Can I make your rate coach? Average rate is not actual rate. So, what is the instant and the rate of reaction? The answer rate manipulation it is equal to d concentration of a product by dt or equal to minus d by dt concentration of a reactant A. What is the rate of reaction? Means rate of formation of product in unit time or decreasing concentration of a reactant in unit time. Tale B ra parimana keta achi bile x se ka kata dx by dt koi periba ki ba emiti madhe bi jodi dekha minus d by dt apa a keta achi a minus x ek ka kata nani tale minus d by dt plus dx by dt tale a tapule jancha constant initial quantity constant so derivative of a constant is equal to 0 so rate mane dx by dt thik hala तल मुईठे आर देर पिले कौन लिख पेरी भी dx by dt equal पिले कौन k0 what is k0 it is the rate constant of a zero order reaction or a reaction rate specific reaction rate of a zero order reaction तुम कोई थी velocity constant जहा rate constant से या specific reaction rate कले में दा से ताले dx equal कौन पिले थी so implies dx equal कौन आपा k0 into dt. ठीक है ना? Since it is a continuous function, अपन में integrate कर दला. तले k0 तो constant है, सेकुद integration कर लेके चिलाबो नहीं सही constant रही बो. तले इट देखिलो, dx integration कर लेके कौन हला? X equal to कौन चिला? K0 into t plus उठे integration constant दला c equation one करो. फटी c इट जे integration constant. तमें देखा when t equal to 0 but tanam it is 0 value at kariba kemti bar kariba e limiting condition ru when t equal to 0 dekhla t jetal 0 mane arambha samay arambha hoch tetal x re value bile kete x mane kete formation hoch x mane etur kete kharcha hoch ba x kete formation hoch arambha ru kon kichi formation hi chi hei ni so when t equal to 0 x equal to 0 thik hala tale equation pile kon ab equation 1 t jare 0 bas etale etala 0 he gala x to 0 so c equal to 0 thus c equal to 0 tale equation 1 batana ke dabo ko na x equal to k0 t implies k0 equal to kon x by t so this is the expression for a rate constant of a zero order reaction thik hala Authority dekhi ja. Let us consider a hypothetical reaction in which reactant A is converted into product B. Let small a be the initial concentration of a reactant in moles per liter. And the initial concentration of B is obviously zero. Suppose X is the change in concentration of a reactant after time t. Now concentration of A that remains after time t will be A minus X. Mole per liter and whatever amount of A decreases same amount of B will be formed therefore X is the amount of a product formed in the same time now according to law of mass action rate of reaction this for zero order reaction is proportional to the concentration of reactant to the power zero that is something to the power zero means one and R equal to one now here R equal to K zero proportional to the constant guniva k0 into this one is 1 what is k0 it is the rate constant of a zero order reaction so r means dx by dt I have explained here so dx by dt equal to k0 dx equal to k0 dt on integrating we get x equal to k0 t plus c limiting condition put kariva when t equal to 0 means starting time x equal to 0 kichi formation hai nahi so x equal to k0 t that means k0 equal to x by t so this is the most important equation or derivation of the
रेट लॉ इक्वेशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है ला अगेन मैं लिखी दौर आम पहले पे कौन के जी इक्वल टू एक्स बाय टी एटा मन रख सपोज बाम लिखा लेट ए जीरो कैपिटल ए कंसंट्रेशन ए जीरो हो इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए मन कर मु ए जीरो नहीं टी समय पर रहिला केते ए ए हला कोन कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी मन देख सुन था ठीक है ला मन कर ए जीरो जदि नेबी आरंभ रु केते नहीं छी किछि समय पर ए रहिला ताले एक्स मान पिले कोन ला जति खर्च होई छी एक कोन कहतले चेंज इन कंसंट्रेशन ताले आरंभ रु नै छ ए जीरो किछ समय पर ला ए ताले एक्स केते हला ए जीरो माइनस ए सो एक्स इक्वल केते हो ऑब्वियसली ए जीरो माइनस ए आप केमती करबे टी करबे आफ्टर टाइम टी ए टी ठीक है ला सो के जीरो इक्वल पिले कोन हबो नाउ के जीरो इक्वल टू ए जीरो माइनस ए टी बाई टी सो दिस इज अनदर इक्वेशन तुम्हें यहाँ लिखिपर दिस इज द इक्वेशन एक्सप्रेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट दिस इज ऑल्सो अनदर एक्सप्रेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट ठीक है ये डेरिवेशन बर्तमान पे आम आलोचना करवा हाफ लाइफ पीरियड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्येक रिएक्शन पीरियड थाए हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड पे कौन आम सिंबल दूचे टी हाफ और टी 0.5 हाफ लाइफ पीरियड माने कौन सिनेमा सब देखी थो नहीं गोटे सिनेमा मानक तीन घंटा चलू जो अधा जाए स्टोरी कौन हुए लिखा हुए इंटरवल इंटरमिशन मध्यांतर एथुअंते अधा हो गला आमर बयस जो 70 वर्ष 35 हो हाफ लाइफ बेल पड़ी गला अधा बसिया कहते गाँग गली सब गाड़ी दिखते मो बाड़ी कहीं काकुड़ी चोरी कल अधा बसिया तू जी चोरी कर तू अधा बस रुच हाफ लाइफ माने इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच हाफ ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट तात जो समय मध्य निया रिएक्टेंट परिमाण अधा रहे आधा प्रोडक्ट कन्वर्ट हुए से अधा सरवाई अधा रही जहाक जी समय लगे कहते हाफ लाइफ पीरियड छोट द टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द वन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिड्यूस्ड टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन और सिंपली कह पार इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड टू इट्स वन हाफ और हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड और सिंप्लीफाई कर दो टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स ठीक है ताले देख ये पहले इनिशियल कंसंट्रेशन के आम ए जो ए के नहीं इनिशियल जो टाइम था जीरो ठीक है मन को जो टी हो गला टी हाफ ये टी हाफ माने अधा हो गला अधा समय हो गला ताले तुम एक्स है पे चेंज इन कंसंट्रेशन प्रति मुहूर्त परिवर्तन होता परिमाण को एक्स कहे एक्स के पे ए बाय टू हम ना नहीं ताले टी जो अधा हो गला ताले परिमाण परिवर्तन परिमाण के तार अधा हो एक्स वाले भी ए बाय टू ताले इतने पे पुट करद सो के जीरो इक्वल पे कौन हम कह एक्स जगह कौन लिखा ए बाय टू टी जगह कौन लिखा टी हाफ ठीक है नाउ टी हाफ इक्वल पे कौन हम कह ए बाय टू के जीरो दिस इज अनदर कैरेक्टर ऑफ जीरो रिएक्शन कौन ना हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन पे टे देख भल करी टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माने इनिशियल कंसंट्रेशन कौन ए बुझला वेरी इंपोर्टेंट गोटे रिएक्शन आम करूचे तुम कही अर्डरटा सब एक्सपेरिमेंटल बाहर गोटे रिएक्शन आम करूचे आम कम जाना जीरो अर्डर कि फास्ट अर्डर कि सेकेंड अर्डर केवल एक्सपेरिमेंटल ही डिटरमिन हो पार ताहले आम केम जानबे एटा को अर्डर ना तुम जान विभिन्न रोग सब लक्षण अच्छे ना नहीं एमती तुम चली कोरोना वायरस जो स्प्रेड हो जो जो मैंने सब पेसेंट होती स्पेसीफिक क्यारेक्टर अच्छे लक्षण अच्छे से लक्षण जना पड़ो जो कोरोना
हेला बोली आमे संदेह करचे टेस्ट परे जणा पडिवो स्वाइन फ्लू जो मन कोची तार स्वतंत्र लक्षण होची मलेरिया जो मन कोची एही सिम्पटम साइन सिम्पटम होले हम त कहबा आको मलेरिया हिची सेमती कोन साइन सिम्पटम देखिले रिएक्शन रु आमे कहबा ये जीरो डर बोली प्रथम लक्षण होची देखा हाफ लाइफ इज डायरेक्ट प्रोफेशनल टू ए माने कोन कि अर्थ इनिशियल क्वांटिटी जदि बढेलो इनिशियल कंसंट्रेशन बढेलो यदि हाफ लाइफ बढ़ी बढ़ी गला मंदिर शुणा इनिशियल क्वांटिटी बढ़े जब हाफ लाइफ पीरियड बढ़ी बढ़ी जाऊँच तेल तुम जान सी हूँ जीरो रिएक्शन लक्षण से रिएक्शन करुच से जीरो फलो कर सपोज जड़े वन मोल नहीं रिएक्शन आरंभ कला वन मोल पर लिटर नहीं आरंभ कला तो हाफ लाइफ मैंने के कह हाफ मोल सपोज हाफ मोल रही घंटे समय लगे छुट्टी है वन आवर ठीक है तेल देखले प्रथम एक मोल नहीं हाफ मोल रहे भी घंटे लगे से रिएक्शन जदि मुझे बर्तमान करी दुई मोल नेबी आगुरी नहीं एक मोल बर्तमान के दुई मोल ने हाफ लाइफ मैंने के वन मोल रहा जी घंटे अधिका समय लगे ठीक है गोटे मोल हाफ मोल घंटे लगे दुई मोल ने एक मोल रहा जी घंटे अधिका समय लगे हाफ लाइफ जब बढ़ीगला इनिशियल क्वांटिटी बढ़ेदेली तेल तुम जान ये जीरो रिएक्शन लक्षण भेरी इंपोर्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेल हाफ लाइफ भी बढ़ो ताहले तुम्हें जान सी जीरो रिएक्शन क्यारेक्टर अच्छा आउ पे गोटे कौन ना तार गोटे जो रेट कन्स्टांट यूनिट ये जान यहाँ तो कंसंट्रेशन टर्म मोल्स पर लिटर ताहले यूनिट हूँ कौन सेकेंड क्यारेक्टर है यूनिट हम कौन ना मोल पर लिटर पर सेकेंड तो दिस इज सेकेंड क्यारेक्टर अफ जीरो रिएक्शन जे यार रेट कन्स्टांट यूनिट हूँ मोल पर लिटर पर सेकेंड क्लीयर थर्ड रे आम एक्सप्लेन करवा ग्राफिकाली आम टे एक्सप्लेन करवा ग्राफिकाल रिप्रेजेंटेशन अफ जीरो रिएक्शन भेरी इंपोर्टेंट एंट्रेंसेस उपचार नीट हो जे मेन हो तुम जिते सब एग्रीकल्चर हो वेटनरी साइंस जिते एंट्रान्स पढ़ुची सब यूर ही पचारे ए ग्राफिकाल रिप्रेजेंटेशन ठीक है तेल फास्ट ग्राफ करवा देख क्या मध्य बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल कंसंट्रेशन कौन हम कही इनिशियल कंसंट्रेशन जहाँ भी हो बढ़ू कि कमू रेट ऑफ रिएक्शन कौन हम जीरो सब कन्स्टांट रही है देख इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेल सपोज रेट ऑफ रिएक्शन ये आउटे बढ़ेल से आउटे बढ़ेल से रहा जहाँ कर्जकर बढ़ा कि कमा रेट ऑफ रिएक्शन सामान रख दैट मीनस यू विल गेट ए होरिजेंटल लाइन होरिजेंटल लाइन पाइल ताले ये है तुम जीरो रिएक्शन लक्षण ठीक है क्या का मध्य रेट ऑफ रिएक्शन आओ इनिशियल कंडीशन देखी दिव होराइजेंटल लाइन मिलला मैंने जीरो रिएक्शन ए ग्राफ रु जना पड़ो रिएक्शन कोडर एक्सपेरिमेंटल बाहर कर सेकेंड थिंग सेकेंड ग्राफ बिटवीन एक्स अर्थात चेंज इन कंसंट्रेशन एक्स पे कौन परिवर्तन होउछि एक्स चेंज इन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है चेंज इन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम टाइम जीरो एक्स तो पे जीरो कौन है ये वी गेट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन जार स्लोप पे कौन हम स्लोप स्लोप मैंने कौन टेन थीटा मैंने कौन ये जी लाइन टाणीदेवी पी बै बी पी मान के एक्स एक्स बै टी मैंने कौन के जीरो तेणु यार स्लोप वाला रेट कन्स्टांट जदि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम भितर ग्राफ करी जदि सेटा ओरिजिन देखि गति गला ताले सी मध्ये होची तमरो दे जीरो ऑर्डर रिएक्शन रा लक्षण ठीक गला थर्ड कैरेक्टर एथरु करिबा मु जदि गोटे थर्ड कैरेक्टर नेबी फिले कोन तमरो ए टी वर्सेस टी देख एठी कुटी रे समाधान कर दे पले ए जीरो माइनस ए टी इक्वल पिले कौन होची ना के जीरो टी ठीक है ताहले एठी करिवा जदि ए टी इक्वल पिले कौन हम ना ए जीरो माइनस के जीरो टी ठीक है ए टी इक्वल कौन आसला ए जीरो माइनस ताले एटा देखले पिले गोटे इक्वेशन आपको मन कर टू कहवा ताले इक्वेशन देख ल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला चना नहीं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये फॉर्मूला नहीं वाई इक्वल टू
mx plus c slope intercept form tale dekh pile dekhila c mane ki intercept ala a 0 slope eti kono negative slope eta ala m aw t mane thike x tale ka bhitare graph kariba nazar karo tale ame ka bhitare graph kariba third graph between x and y eti x mane eti kono icha x mane ki time eti y mane ki achi y axis re AT अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी केते रहिला तलपिले कोन आसीबो नेगेटिव स्लोप हेटी नेगेटिव स्लोप माने लाइन विल बी लाइक दिस तो यार स्लोप की हबो को स्लोप इक्वल टू हेटी माइनस ऑफ के 0 देखो तमे टाइम नबो बिउने टाइम इंटरवल मापिलो एपर नेलो देखिलो केते आउ रहउची रिएक्टेंट केते नेथलो को समय रे आ केते केते रहउची दीटा भीतर ग्राफ कर द जदी ए प्रकार आसीला त तमे जानो से होची जीरो ऑर्डर रिएक्शन रा गोटे लक्षण ठीक हला आ फोर्थ ग्राफ होउची दिस वन इज फोर्थ वन काका भीतर प्ले करबी ना हाफ लाइफ पीरियड वेरी इंपोर्टेंट सो दिस इज बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन राइट हाफ लाइफ इक्वेशन हम एट करथले टी हाफ इक्वल टू कोन थला ए बाय 2k0 हेटी तो टी हाफ आ ए भीतर जे ग्राफ करबी कोन बुलाबो ग्राफ टा गोटे आबो इन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आ यार स्लोप कोन आबो को स्लोप इक्वल सेम दे tan थीटा दिस इज थीटा tan थीटा tan थीटा माने कोन p / b टी हाफ / a माने कोन आबो इक्वल टू 1 / 2k0 सो It will be k0 by देखला कितना हो ची a by 2 k0 x by k0 ठीक है ची a by 2 k0 so इतना सिवा तमरा tan theta equal p by b t half by a so t half by a equal to 1 by 2 k0 ठीक है ची तमरा सा स्लोप वाला 1 by 2 k0 ठीक है तल a हिला पहले तमरा जीरो डर रिएक्शन रा एग्जांपल तार कैरेक्टर पढ़ल टी कौन पढ़ले समराइज करदे आज पे आम कौन पढ़ले जीरो रिएक्शन व्हाट इज जीरो रिएक्शन ना दीज आर द रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन अदर एक्सटर्नल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर प्रेसर कैटलिस्ट इंटेनसीटी ऑफ रेडिएशन एटसेट्रा तापर डेरिवेशन कले एग्जांपल कहले रिएक्शन बिटवीन एच टू एंड आई टू तापर कहले डिसोसिएशन ऑफ एच आई इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट आउ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ओवर मोलिब्डेनम सरफेस तो कैटलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन तापर पढ़िले जीरो ऑर्डर रिएक्शन रो रेट कॉन्स्टेंट डेरिवेशन कले के जीरो इक्वाल टू एक्स बाय टी ठीक है तापर हाफ लाइफ पीरियड कले हाफ लाइफ रे जना पड़ला कोन हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन तद इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ला हाफ लाइफ जब बढ़ो जीरो रिएक्शन कैरेक्टर तापर तार यूनिट कहले मोल पर लिटर पर सेकेंड है रेट कंसंट्रेट यूनिट तापर चारिटा ग्राफ कल बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इट रिमेन्स कंस्टेंट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन सेकेंड चेंज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम वी गेट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हुज स्लोप इज इक्वल टू के जीरो थर्ड ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन concentration of reactant at a time t and t we get a negative slope and that negative slope is equal to your k0 and fourth one is between half life period and a if a increases initial concentration increases then half life period increases and a, the straight line passes through the origin and whose slope is equal to 1 by 2 k0 so these are the characteristics of a zero order reaction तेणु ये सरीगला आप बहुत प्रोब्लेम्स अच्छी मोर भिके केमिस्ट्री बहुत बहुत प्रोब्लेम्स कराई एंट्रान्स प्रोब्लेम कराई सब यू गो थ्रू ऑल द प्रोब्लेम्स मो पाखे समय सापेक्ष तेणु सब प्रोब्लेम कर संभव नुह तुम प्रोब्लेम कर एवं मो सहित तुम सेयार कर कमेंट्स दि आंग सहित समस्त या सेयार कर समस्त देखते ये कनसेप्ट गुड़िक पे क्लीयर ना तुम जीवन केवे सक्सेस हेनी साइंस एंट्रान्स पाया तो प्रश्न ही उठुनी तुम घोषा घुषी करके किसी गोटे एंट्रान्स सी एच एस कि सी एस सीबीएसई कि आईसीएससी तुम पास कर भल मार्क भी सिक्योर कर दे पार कि एंट्रान्स क्राक करने ये सब कनसेप्ट फंडामेटाल्स जानवा निहाती आवश्यक तेणु भिडियो समस्त मूल शेष पर्यटन देख समेत शेष पर्यटन देख
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଅ, ନିଜକୁ ଭାବ ଯେ ହଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି, ଇଏ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବିନି। ଦେଖ ପିଲା ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦିଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତମେ ଧନ୍ୟ କହିବ, ତମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବ ଯେ ଏଭଳି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସିଏ ଖାତିରି ନକରି ତମମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ଆଉ ସୁଯୋଗକୁ ସଦୁପଯୋଗ କର, ଭଗବାନ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ନୋଟ୍ କର, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତୁମେ ନୋଟ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।